नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24। मैं हूं आपके साथ मानसी। संजय जायसवाल को उपेंद्र कुशवाहा की बुद्धि पर तरस आ रही है। बजट को निराशजनक बताने पर बिफरी बीजेपी। मोदी सरकार ने आज देश का बजट पेश किया है। बजट के बाद एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को बिहार के लिए निराशजनक बता दिया है। इसके बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला और कहा कि हमें तो उनकी बुद्धि पर तरस आती है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने बजट पेश होने के बाद कहा था कि केंद्रीय बजट बिहार के लिए निराशजनक है। केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए ऐतिहासिक परंतु बिहार के लिए निराशजनक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को अनसुना कर सभी बिहार वासियों को निराश किया है। इसके बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमें तो उनकी बुद्धि पर तरस आती है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री रहा है, अगर उसे इतना ही ज्ञान नहीं है कि विशेष राज्य के दर्जा की घोषणा केंद्रीय बजट में नहीं होती, तो हम इतना ही कहेंगे कि हमें उनकी बुद्धि पर तरस आती है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो ऐतिहासिक है। नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार 3 सालों में 2.5 गुना से अधिक संसाधन बढ़ाने पर खर्चा करेगी। इससे प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी। हमारी सरकार रोजगार के अवसर को लगातार बढ़ा रही है। आज 30 करोड़ से अधिक लोग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। उनके रोजगार के अवसर खुलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। बजट 2022 में करदाताओं के लिए कुछ भी नया नहीं है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। संसद में अपना बजट भाषण पढ़ते हुए निर्मला सीतारमण ने सबसे अंतिम वक्त में आयकर छूट और सीमाओं को लेकर घोषणा की। उन्होंने कहा कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की तरह ही इनकम टैक्स लागू रहेंगे। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि आम आदमी को बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिल पाई है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहें NBC24।